हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यू ट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है नीताशा सिंह और आज हम करने वाले हैं रिव्यू हमारे वीवो के Z1 Pro का। जैसे कि 11 जुलाई को इस डिवाइस की हमारी सेल है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या हमें इस डिवाइस को लेना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस डिवाइस में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर, जिससे कि ये डिवाइस हमारे इंडिया का पहला डिवाइस बनता है इस प्रोसेसर के साथ। और इसके अंदर आपको एक्चुअल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मतलब आप जैसे इस डिवाइस को यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको काफी फास्ट एनिमेशन मिलता है। ऐप लोडिंग टाइम इस डिवाइस का काफी कम है, फटाफट से ऐप लोड्स होती है हमारी। और मल्टीटास्किंग में भी ये डिवाइस आपका बहुत ही स्मूथ वर्क करेगा, मतलब बिल्कुल भी कोई लैगिंग और डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही अगर हम इस डिवाइस के एंटूतु स्कोर की भी बात करें तो वो भी हमारा 1,84,000 है। और एंटूतु स्कोर में आप देख सकते हैं कि इसका जो जीपीयू है वो बहुत ही सॉलिड है, 55,000 स्कोर हमारे जीपीयू का आता है। मतलब अगर हम Redmi Note 7 Pro का देखें तो उसका 36,000 है, Realme 3 Pro का भी 48,000 है और इसका 55,000 आता है। मतलब आपको गेमिंग परफॉर्मेंस इस डिवाइस में जो मिलती है वो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजेदार मिलती है। अब गेमिंग परफॉर्मेंस में अगर हम PUBG की बात करें, तो मैंने शायद सबसे ज्यादा फोन्स में PUBG का टेस्ट किया है, सबसे ज्यादा मैं टेस्टिंग करती हूँ PUBG की। और मुझे एक्चुअल में PUBG टेस्टिंग में Vivo बहुत ही पसंद आया, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिली हैं। मतलब हमें Vivo के Z1 Pro के अंदर अलग से ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप PUBG को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब आप पूरी तरह ट्रेनिंग ले सकते हैं कि गोली कहाँ से आ रही है PUBG जब आप खेल रहे हो, या फिर आपके आसपास दुश्मन कहाँ से आ रहा है, इस चीज की पूरी ट्रेनिंग आपको इसके अंदर मिलती है। साथ में कुछ अलग मोड्स मिलते हैं, जिससे कि गेमिंग आपकी और सॉलिड हो जाती है, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी बढ़ा देता है ये डिवाइस। और उसके साथ आपको इसके अंदर जो वाइब्रेशन मोटर मिलती है वो मस्त है। मतलब इस डिवाइस के अंदर आप उस वाइब्रेशन मोटर को ऑन करेंगे, 4D वाइब्रेशन है हमारी, उसके बाद आप इस पे डिवाइस में गेम खेल रहे हैं, आप फायरिंग कर रहे हैं या कोई भी इफेक्ट आ रहा है, जो आपको फील इस डिवाइस के अंदर आएगी वैसी ही फील हमें प्लेस्टेशन के रिमोट्स में आती है। तो मतलब Vivo ने एक्चुअल में काफी ज्यादा वर्क किया इस डिवाइस के अंदर। अगर हम बाकी गेमिंग डिवाइसेस देखें, जैसे कि हमारा ये नूबिया का रेड मैजिक है, हमारा Asus का ROG है, या फिर हमारा ब्लैक शार्क 2 है, इन डिवाइसेस के अंदर भी हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली। मतलब इनके अंदर लाइटें लगा दी, पंखा लगा दिया, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं लेकर आए जो Vivo ने सोची, जिससे कि आपका PUBG एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, आपको अलग से जो मोड्स मिलते हैं जिसके अंदर और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है गेमिंग करते समय, हाई एंड गेमिंग आप कर सकते हैं, साथ ही आपको PUBG सीखने के लिए ट्यूटोरियल भी मिल जाता है। तो ये चीज मुझे Vivo की बहुत ही पसंद आई। इस डिवाइस के जो PUBG हिडन फीचर्स हैं उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं PUBG फीचर्स के बारे में तो वीडियो देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने इस डिवाइस का गेमिंग टेस्ट किया था, तो इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला और ना ही कोई लैगिंग देखने को मिली, आपकी गेम एकदम स्मूथली बढ़िया चलेगी। साथ ही इस डिवाइस की अगर बैटरी बैकअप की हम बात करें तो वो मेरा एक बहुत ही फेवरेट पॉइंट है इस डिवाइस को लेके, क्योंकि इस डिवाइस में हमें बड़ी बैटरी तो मिलती है लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही मस्त है। मैंने इस डिवाइस का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया हुआ है और इसको मैंने मजे से पूरा दिन यूज किया था, कमाल की परफॉर्मेंस मिली, कमाल का बैटरी बैकअप मिला। मेरे हिसाब से आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी सारी टेस्टिंग के लिंक मिल जाएंगे। जो लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं उन्हें ये चीज पता होती है कि डिवाइस को यूज करना होता है जब भी हम ट्रैवल करते हैं, मतलब गाने सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, गेम खेलेंगे, अब उसमें डिवाइस के अंदर बड़ी बैटरी तो होनी चाहिए। अब इस डिवाइस में बड़ी बैटरी तो है, साथ में कमाल का बैटरी बैकअप भी है। अगर आपकी यूजेज नॉर्मल है तो इस डिवाइस से आपके 2 दिन आराम से निकल जाएंगे, और अगर आपकी बहुत ज्यादा हैवी यूजेज है तो भी रात तक ये डिवाइस शायद ही खत्म हो। और साथ में बढ़िया चीज यह है कि इस डिवाइस के बॉक्स के अंदर ही हमें डुअल इंजन फास्ट चार्जर मिल जाता है। मतलब इस बजट के अंदर कम ही ब्रांड्स हैं जो कि बॉक्स के अंदर ही आपको फास्ट चार्जर दें, और Vivo ने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है कि आपका एंटरटेनमेंट खत्म ना हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले जो है वो एक्चुअल में साइज में बड़ा है, 6.53 इंच का हमें इसके अंदर डिस्प्ले मिलता है, तो मूवीज को वीडियोस को हम ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बड़े डिस्प्ले में देखेंगे तो ज्यादा फन आता है।
उसके साथ आपको डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस अच्छी मिलती है, साथ ही व्यूइंग एंगल्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। और डिवाइस के अंदर जो हमें इन डिस्प्ले कैमरा मिलता है ये हमारा काफी छोटा सा है, तो जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, मूवी देखेंगे, तो आपकी स्क्रीन एक्चुअल में कट नहीं होगी, पूरे ऑल स्क्रीन में आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं मजे से। साथ ही जो डिवाइस आप लेंगे रिटेल यूनिट, उसके अंदर आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिलेगा। अभी जो मेरे पास रिव्यू यूनिट है इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन वीवो ने कंफर्म किया है रिटेल यूनिट में आपको जरूर मिलेगा। साथ ही इस डिवाइस के अंदर जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगती है वो है इसका डार्क मोड। मतलब एक्चुअल में पूरा दिन शूटिंग करो, एडिटिंग करो, लेकिन उसके बाद अपने डिवाइस को रिलैक्स करने के लिए यूज करो, तो डार्क मोड में आप मजे से यूज कर सकते हैं। मुझे डार्क मोड इसका काफी पसंद आया, और साथ ही इंटरफेस भी आप देख सकते हैं डिवाइस का हमारा काफी सही लग रहा है। से ओप्पो का जो इंटरफेस है कलर्स OS वो मुझे इतना खास नहीं लगता, उस हिसाब से ये मुझे ज्यादा बढ़िया लगा यूज करने में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इस डिवाइस के डिजाइन एंड लुक की, तो मुझे ये डिवाइस एक्चुअल में यूज करने में, हाथ में होल्ड करने में काफी बढ़िया लगा। इसके अंदर जो हमें ग्लॉसी फिनिश मिल रही है, साथ में ग्रेडियंट शेड जो आ रहा है, उससे डिवाइस काफी कूल एंड स्टाइलिश लग रहा है। मतलब हाथ में होल्ड करके आप इसको यूज करेंगे तो बढ़िया दिखेगा डिवाइस। और वैसे इसके अंदर हमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है जो कि प्लास्टिक बॉडी है, बट लुक वाइज डिवाइस हमारा बढ़िया है। और इसके डिजाइन में एक्चुअल में एक और बढ़िया चीज मुझे जो लगी वो है इसका ये स्मार्ट बटन, जो कि एक्चुअल में ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। आप इसके स्मार्ट बटन के अंदर अलग अलग फीचर्स को लगा सकते हैं, मतलब एक बार सिंगल प्रेस करेंगे तो एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, दो बार प्रेस करेंगे तो दूसरा शॉर्टकट लगा सकते हैं, प्रेस करके होल्ड रखेंगे तो तीसरा शॉर्टकट लगा सकते हैं। कई चीजों में काफी कन्वीनियंट रहता है इसको यूज करना। उसके बाद डिवाइस के अंदर आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है, तो दो सिम कार्ड के साथ आपका मेमोरी कार्ड भी आराम से लगेगा, साथ ही 3.5 हेडफोन जैक भी मिलता है। और इस डिवाइस का जो हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ही फास्ट है, मतलब जितने भी डिवाइसेस अभी तक मैंने यूज किया इसका मुझे काफी फास्ट लगा। और पर्सनली ये फिजिकल वाला ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो इन डिस्प्ले वाला होता है उसमें हमेशा आपका डिवाइस अनलॉक हो ये जरूरी नहीं होता, तो इसमें आपको काफी फास्ट और बढ़िया फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है, और साथ ही फेस अनलॉक भी हमारा काफी क्विक और एक्यूरेट है। अब इसके बाद अगला बढ़िया फीचर जो है वो है हमारे इस डिवाइस का कैमरा। बैक में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, अच्छे पिक्स ले लेता है जो कि लेकिन सबसे यूजफुल जो मुझे लगा कैमरे में वो है हमारा सुपर वाइड एंगल कैमरा। उससे आप अपनी ग्रुप फोटोग्राफ, पूरे रूम की फोटोग्राफ, पूरे लैंडस्केप की फोटोग्राफ बहुत अच्छे से ले सकते हैं। बहुत ही यूजफुल चीज है डिवाइस के अंदर, और साथ ही पोर्ट्रेट मोड में भी आपकी पिक्स काफी ठीक आ जाएंगी। साथ ही सबसे बढ़िया चीज जो इस डिवाइस की है वो है इसका स्लो मोशन। आप ये देख सकते हैं, वैसे मैंने इसका एक स्लो मोशन वीडियो भी बनाया हुआ है, वो अगर आप देखना चाहें तो न्यूट्रिगल चैनल पे आपको मिल जाएगा। और बढ़िया स्लो मोशन लेता है, मतलब ज्यादा टाइम का स्लो मोशन शूट इससे ले सकते हैं। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है। अब इसके बाद अगला इंटरेस्टिंग फैक्टर जो आता है इस डिवाइस का वो है इसका इन डिस्प्ले कैमरा, वो भी 32 मेगापिक्सल का। क्या कहूं मैं, 32 मेगापिक्सल का वीवो का कैमरा है, बेस्ट सेल्फीज आती है। आप देख ही सकते हैं काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, पर बढ़िया चीज ये है कि इसकी पिक्स को आप सीधा खींचो, सीधा अपलोड करो, एडिटिंग आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो सबसे कमाल की चीज होती है आज की डेट में, क्योंकि सेल्फी तो सबको अपलोड करनी है। अब अगर हम इस डिवाइस के ऑडियो परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया निकल के आती है। मतलब अगर आप इसके साथ अपने ईयरफोन्स को लगाएं या फिर हेडफोन्स को लगाएं, आपको इसमें बढ़िया ऑडियो आउटपुट मिलेगा। साथ ही अच्छी बात यह है कि इस डिवाइस के साथ वीवो ने हमें बॉक्स के अंदर ही ईयरफोन्स दिए हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन्स हैं। मतलब इस बजट में एक्चुअल में कोई भी ब्रांड हमें ईयरफोन्स नहीं देता है, और अगर कोई दे भी देता है तो वो ऐसे प्लास्टिक के गंदे से देता है, ज्यादा बढ़िया नहीं होते यूज करने के लिए, आपको अलग से बाहर से खरीदने पड़ेंगे। ऐसे इसके अंदर कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई कि आपको ईयरफोन्स नहीं दिए या गंदे वाले दिए, आपको अच्छे ईयरफोन्स मिलते हैं जिनमें आपको इसमें बढ़िया ऑडियो आउटपुट मिलेगा। अब इसके साथ वीवो ने इस डिवाइस के ऊपर एक लॉन्च ऑफर भी निकाली है, आपको इस डिवाइस के ऊपर 750 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब कि ये डिवाइस आपको 14,250 रुपए का पड़ सकता है। सो इस डिवाइस का खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जो इसका ऑफर लिंक है, एक बार ये आप जरूर देखें। ये डिवाइस आपको फ्लिपकार्ट और वीवो के साइट पे अवेलेबल है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और साथ ही इसके ऊपर आपको जियो बेनिफिट भी मिलते हैं 6,000 रुपए के, और उसके साथ इसकी सारी टेस्टिंग करी हुई है उसको भी आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो टेस्टिंग को देख लो, आपको तसल्ली मिल जाएगी कि इस डिवाइस की पूरी डिटेल में आपको क्या क्या चीजें कैसी मिल रही है। और मेरे हिसाब से तो ये डिवाइस हमारा बढ़िया ऑप्शन है, एक कंप्लीट डिवाइस है वीवो की तरफ से। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।